प्रिय मित्रों, आप सभी का हम अपने YouTube चैनल ओमटेक की दुनिया में हृदय से हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम कोरोना से ठीक होने के बाद अपने जीवन को फिर से कैसे नॉर्मल तरीके से जिए, इस बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद भी कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। उनमें सांस लेने में परेशानी, चक्कर आना, थकान, हल्का बुखार, जोड़ों में दर्द और उदासी जैसे लक्षण सामने आ रहे हैं और उन्हें पूरी तरह से नॉर्मल होने में काफी समय लग सकता है। कोरोना से ठीक होने के बाद हेल्दी रहने के लिए आपकी लाइफ में अच्छी आदतों का होना बेहद जरूरी है। अगर आपका शरीर हेल्दी होगा तभी आप हर काम आसानी से कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं हेल्दी रहने के लिए आपको अपने जीवन में किन किन अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। एक, दवाइयां समय पर ले। डॉक्टरों द्वारा दी गई दवाइयां समय पर लेना चाहिए। इसके अलावा कोई भी दवाइयां बिना डॉक्टर के परामर्श से नहीं लेनी चाहिए। दो, भावनात्मक सहयोग। अपने घर का या आस पड़ोस का कोई सदस्य कोरोना बाधित है या फिर कोरोना से ठीक हो चुका है तो उसे भावनात्मक सहयोग देना चाहिए ताकि उसे बीमारी से उभरने में मदद मिले। तीन, अपने डाइट का ध्यान रखना। कोरोना से ठीक होने के बाद अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना डाइट में शामिल करना बेहद जरूरी है। अपने खाने का एक समय तय करें। खाने में हरी सब्जियां, दूध, दही, दाल, अंकुरित चने इत्यादि शामिल करें, क्योंकि खाने की इन चीजों में पौष्टिक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। खाने में ताजे फल फ्रूट और फलों के जूस का सेवन करें। इसके अलावा जंक फूड, तली हुई चीजें और मसाले कम ही खाएं। रात का खाना बेहद हल्का फुल्का लें, इससे खाने को पचने में आसानी होती है। जितना हो सके शाकाहारी खाना खाएं। चार, खूब पानी पिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पानी बेहद जरूरी होता है। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो इससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। पानी पीने से शरीर में नमी बनी रहती है। इससे न सिर्फ शरीर में पानी की कमी पूरी होती है बल्कि बालों में और स्किन में भी चमक आती है। इसलिए दिन में कम से कम 8 से 20 ग्लास पानी पीना चाहिए। अगर आप अपने दिन की शुरुआत एक ग्लास गर्म पानी में नींबू डालकर पियेंगे तो यह आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और शरीर से मौजूदा टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं। इसलिए जितना हो सके उतना पानी पीते रहें और जरूरत पड़ने पर नमक के गुनगुने पानी से गरारे करें। 5, सुबह की धूप ले। सुबह की धूप में विटामिन डी अधिक मात्रा में होता है। 6, 8 से 9 घंटे की नींद जरूर ले। कोरोना से ठीक होने के बाद भी शरीर में काफी कमजोरी होती है। नींद शरीर के लिए बेहद जरूरी होती है। पूरे दिन की थकान के बाद नींद लेना बेहद जरूरी होता है। इससे शरीर को आराम मिलता है और इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। कम से कम 8 घंटे तक की नींद जरूर लेनी चाहिए। 7, आराम से करें स्नान। कम से कम 10 से 15 मिनट तक स्नान करें। नहाने के लिए नॉर्मल या गुनगुना पानी लें। पूरे शरीर को हल्के हाथ से मसाज करते हुए स्नान करें। इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बढ़ता है। 8, तनाव और डिप्रेशन से बचें। एक कहावत है, चिंता चिता समान। तनाव और चिंता इंसान को अंदर से पूरी तरह से खोखला बना देती है। तनाव यानी स्ट्रेस आजकल एक कॉमन बात है, लेकिन तनाव आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए तनाव को जितना हो सके खुद से दूर रखें। बेवजह किसी भी बात पर ज्यादा चिंता न करें। अपने आप को काम में बिजी रखें। इसके अलावा अपनी पसंद की किताबें पढ़ें और म्यूजिक सुनें। ऐसा करने से आप काफी मात्रा में तनाव से दूर रह सकते हैं। 9, जरूरतमंदों की मदद करें। आपकी कोरोना की बीमारी में जिन जिन लोगों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपकी मदद की है उनके प्रति कृतज्ञ रहिए और आप भी दूसरे जरूरतमंदों की मदद करें। 10, रोजाना हल्का एक्सरसाइज करें। भिंड में जाने से बचें और अपने घर के अंदर ही रोजाना एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करना शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। एक्सरसाइज को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें। कोरोना के बाद अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो खुद के लिए समय जरूर निकालें। दिन की शुरुआत एक्सरसाइज यानी व्यायाम से करें। ऐसा करने से आप न सिर्फ सेहतमंद रहेंगे बल्कि आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाएगी। 12, रोजाना प्राणायाम करें। कोरोना से ठीक होने के बाद लंग्स की ताकत बढ़ाने के लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम इत्यादि प्राणायाम का अभ्यास काफी लाभदायक हो सकता है। प्राणायाम का अभ्यास तनाव से संबंधित विकारों से छुटकारा दिलाने में भी मदद करता है। प्राणायाम से डिप्रेशन का इलाज भी किया जा सकता है।
प्राणायाम के अभ्यास से स्थिर मन और दृढ़ इच्छा शक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा नियमित रूप से प्राणायाम करने से लंबी आयु प्राप्त होती है और हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। प्राणायाम हमारे शरीर में प्राण शक्ति बढ़ाता है। इसके अलावा लंग्स की ताकत बढ़ाने के लिए बलून फुलाना, बांसुरी बजाना या शंखनाद करने से भी काफी फायदा मिलता है। मेरे प्यारे मित्रों, कोरोना से ठीक होने के बाद में हमें हमारा जीवन किस उचित तरीके से जीना चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द हमारी हेल्थ को फिर से रिकवर कर सके, इस विषय पर आज हमने विस्तार से चर्चा की है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।